डेली करंट अफेयर में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज की करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल आपको लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना था, लेकिन आपने नहीं बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है। आपके पास ऑप्शन थे अलवर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की जो शुरुआत है वो बीकानेर जिले से की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल की वन लाइनर के रूप में फास्ट रिविजन करते हैं और उसके बाद आज की ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो कल की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान उर्दू अकादमी के वर्ष 2021-22 का बैदिल बीकानेरी अवार्ड दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद मोहब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन था नौवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो नौवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र सम्मेलन उदयपुर शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की गई है। तो हाल ही में राज्य के मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस आपके 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध राज्य के किस जिले से था। तो कौशल्या देवी शर्मा का संबंध राज्य के 12 जिले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में सीकर संभाग में शामिल चूरू जिला पहले किस संभाग में स्थित था। तो चूरू जिला पहले बीकानेर संभाग में स्थित था, अब जो है वो नया संभाग सीकर बना उसमें शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित चिरंजीवी, चिरायु और अवनी क्या है। तो ये सब बागिन T111 शावकों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान प्रीमियर लीग का लोगो किसने जारी किया। तो राजस्थान प्रीमियर लीग का लोगो वैभव गहलोत ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस तालाब के किनारे सेवन वंडर्स पार्क बनाए गए। तो हाल ही में किशोर सागर तालाब के किनारे सेवन वंडर्स पार्क बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अब बात करता हूँ आज की करंट अफेयर 25 अगस्त की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा। आपके पास ऑप्शन डॉक्टर विक्रम सिंह राठौड़, विष्णु चंद्र प्रजापत, योग्या सिंह विकल्प ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित विक्रम सिंह राठौड़ और विष्णु चंद्र प्रजापत दोनों को किया जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कराना और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में चौथी वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चलेगी। जोधपुर से अहमदाबाद, जयपुर से चंडीगढ़, कोटा से दिल्ली, अजमेर से मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में चौथी वंदे भारत ट्रेन है ये जयपुर से चंडीगढ़ के मध्य चलेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है वो है जोधपुर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। 24 अगस्त, 22 अगस्त, 26 अगस्त, 20 अगस्त। तो महिला समानता दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चर्चित गांव कौन सा है जहाँ नशा पूरी तरह से वर्जित है। फगोड़िया वाला गांव, नीमराणा, देचू, गुड़ामलानी। तो हाल ही में चर्चित गाँव फगोड़िया वाला है जहाँ नशा पूरी तरह से वर्जित है और ये जयपुर शहर में स्थित गाँव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारी भरकम बसों के मरम्मत के लिए चर्चा में रही मोहनी देवी का संबंध राज्य के किस जिले से है। उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो भारी भरकम बसों के मरम्मत के लिए चर्चा में रही मोहनी देवी का संबंध राज्य के जोधपुर जिले से है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार किस अभयारण्य के नीचे से 8 लेन की क्वीन टनल बनाई जाएगी। ताल छापर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पहली बार मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारण्य के नीचे से 8 लेन की ट्विन टनल बनाई जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धौलपुर टाइगर रिजर्व को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? दूसरा, सातवां, चौथा, पांचवा। तो हाल ही में धौलपुर टाइगर रिजर्व को राजस्थान का पांचवा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट गैस द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण नीति कब लागू की गई है? 2 सितंबर 2023, 5 जून 2023, 4 अक्टूबर 2022, 25 जुलाई 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान स्टेट गैस द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण नीति है, यह आपके 25 जुलाई 2023 को लागू की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 23 अगस्त से 5 सितंबर, 29 अगस्त से 3 सितंबर, 27 अगस्त से 10 सितंबर, 19 अगस्त से 10 सितंबर। तो RPL का आयोजन आपके 27 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जा रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस तालाब के किनारे 7 वंडर्स पार्क बनाए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है नवल सागर तालाब, जवाहर सागर तालाब, किशोर सागर तालाब, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।